दोस्तों इस प्रॉब्लम की अंडरस्टैंड लेते हैं। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टू पेयर सो फॉर्म्ड इज। देखिए, आपको यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है, 2x + 3y - 8 = 0। आपको यहाँ पर क्या करना, एक और लीनियर इक्वेशन बनानी है। इसके साथ में यहाँ पे क्या कंडीशन होनी चाहिए उसकी, कि ये दोनों लीनियर इक्वेशन मिलके किस तरह से बनाए, पहले इंटरसेक्टिंग लाइन बनाए, फिर पैरेलल लाइंस बनाए, और फिर कोइंसिडेंट लाइन बनाए, तीनों कंडीशन मैच करें, तो ये जो लीनियर इक्वेशन होगी जो आप बनाएंगे यहाँ पे किस तरह की होगी, इसका नेचर कैसा होगा, ये आपको यहाँ बताना है। दोस्तों कैसे करेंगे इसको, इंटरसेक्टिंग लाइन ले लेते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या इक्वेशन थी, देखिए 2x + 3y - 8 = 0, आपको इंटरसेक्टिंग लाइन बनानी है। तो मान लेते हैं जो दूसरी लाइन है उसकी जो जेनरिक इक्वेशन है वो कैसी है, a2x + b2y + c2 = 0, ऐसी है। और यहाँ पर इस इक्वेशन में क्या कंडीशंस हैं, ये है इसका a1, ये है इसका b1, ये है इसका c1। अब इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कैसी कंडीशंस होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए अगर आप कंडीशन देखें तो आपको कंडीशन मिलने वाली है, a1 / a2 जो होता है ना वो बराबर नहीं होता b1 / b2 के। तो इसका मतलब अब आप क्या करेंगे, ऐसी ही लाइन बनाएंगे जिसमें ये कंडीशन मैच हो रही हो। a1 क्या था आपका, a1 था 2। दोस्तों तो हमें कैसी लाइन लेनी होगी कि इनका रेशो बराबर ना आए, तो हम ये ले लेते हैं 3x - 5y + 3 = 0। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, ये है आपका यहाँ पे a2, ये है आपका b2, ये है आपका c2। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, वेरीफाई भी कर लेते हैं, a1 / a2 क्या आएगा आपका यहाँ पे, अगर इन दोनों लाइन को ले हम, अगर इस वाली लाइन को ले हम, तो क्या आने वाला है, a1 है आपका 2 और a2 कितना है 3, b1 क्या है 3 और b2 कितना है -5। ये देखिए ये बराबर नहीं है, ठीक है ना, अगर ये बराबर नहीं है तो ये कंडीशन कौन सी वाली मैच हो गई और ये लाइन की इक्वेशन हम बना सकते हैं, यही इसका सॉल्यूशन हो जाता है और आंसर हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमने इंटरसेक्टिंग लाइन बना ली। पैरेलल लाइंस पे आते हैं, इक्वेशन क्या थी लाइन की, 2x + 3y - 8 = 0। ठीक है, जेनरिक इक्वेशन लेंगे पैरेलल लाइन से, केस में a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, ये है a1, ये है b1, ये है c1। ठीक है, कंडीशन क्या है पैरेलल लाइंस की देख लेते हैं, वो है कंडीशन है आपके पास, देखिए आपका a1 / a2 बराबर होता है b1 / b2 के, रेशो बराबर होता है, और ये इक्वल टू नहीं होता है c1 / c2 के। ऐसी ही लाइन आप यहाँ पर लीजिए, बनाइए। किस तरह बनाएंगे दोस्तों देख लेते हैं, तो कैसी लेंगे कंडीशन देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या है, आप 4x ले लीजिए। ठीक है, आपने 4x लिया तो आपके लिए देखिए यहाँ पर क्या हो गया, a1 / a2 कैसा हो गया, a1 / a2 हो गया 2/4, मतलब 1/2 का रेशियो हो गया। तो b1 / b2 भी वैसा लेना पड़ेगा आपको, तो b1 तो आपके पास गिवन है 3, तो b2 कैसा लेंगे, b2 लेंगे आप यहाँ पे 6y + c2। c2 आप कुछ भी ले लीजिए, मान लेते हैं c2 आपने ले लिया 11 = 0। तो देखिए ये 6 यहाँ आ जाएगा आपका b2, और c1 / c2 क्या था, -8/11। अब आप देखेंगे इसको, ये 1/2 1/2 हो जाएंगे, ये बराबर हो गया, ये इसके बराबर नहीं होगा। यही कंडीशन पैरेलल लाइंस की यहाँ पर एग्जैक्टली वेरीफाई हो गई, और यही इसका दोस्तों क्या है, सॉल्यूशन हो जाता है। दूसरी लाइन आपकी कैसी होगी, इस तरह से होगी। ठीक है जी, थर्ड पॉइंट पे आते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होती है, जहाँ पर आपकी दोनों लाइन ने एक दूसरे से ओवरलैप करें। तो लाइन की इक्वेशन लेते हैं, सबसे पहले 2x + 3y - 8 = 0। कोइंसिडेंट लाइन की अगर बात करें तो a2 / a2 × x + b2 × y + c2 = 0। ठीक है, कंडीशन देखते हैं कोइंसिडेंट लाइन की क्या आने वाली है। कंडीशन आएगी इसकी, a1 / a2 बराबर होता है b1 / b2 के, और ये बराबर होता है c1 / c2 के। ठीक है, तो देख लेते हैं किस तरह से आ रही है वैल्यू। सबसे पहले यहाँ पर लेकर चलेंगे, तो सबसे पहले इसको लेकर चलते हैं, यहाँ पर क्या होने वाला है देखते हैं। ये देखिए a1 के आपके पास 2, तो a1 की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर आप ले लीजिए 6x ले लीजिए आप, तो 6x लेंगे मतलब 6 क्या होगा आपका, a2 हो जाएगा, तो 6 यहाँ लिख दिया, रेशियो क्या आ गया 1/3 का। b1 / b2 कैसे लेंगे, b1 / b2 में देखिए b1 क्या है 3 है, आपको नीचे क्या चाहिए 1/3 का रेशियो चाहिए, तो प्लस आपको यहाँ 9y लेना पड़ेगा, क्योंकि 1/3 का रेशियो आएगा 3, और 3 से कट करेंगे 1/3 आ जाएगा,
अब देखिए आप C1 में क्या है, -8 है, तो C2 में आपको क्या लेना पड़ेगा, माइनस ही लेना पड़ेगा और 1/3 आना पड़ेगा, तो यहाँ पे 24 आएगा इज इक्वल टू 0। क्यों आएगा ऐसा, देखिए -8 है, ये आएगा माइनस ऑफ 24। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ये होगा 1/3, ये होगा 1/3, ये होगा 1/3, तो ये आपस में बराबर भी होंगे, तो ये कंडीशन एग्जैक्टली वेरीफाई भी हो जाती है और ये इसका सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों इस टाइप की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं।